12 जगह पर हम लोग बैरिकेटिंग लगा रहे हैं, ड्रोन के जरिए लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं। पाँच तारीख को जो भूमि पूजन का ऐतिहासिक समारोह अयोध्या जी में होने जा रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जो प्रोटोकॉल है उसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करके उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अयोध्या में सुरक्षा उनको दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग सब जगह अनुपालन कर रहे हैं और कोविड वॉरियर जो हमारे लोग हैं उन्हीं को उस सुरक्षा में हम लोग जो इर्द गिर्द की सुरक्षा रहेगी उनको लगाएंगे। इसके अलावा शहर में भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के कारण हम लोग शहर में भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे, 5 से ज़्यादा आदमी कोई इकट्ठा शहर में नहीं हो। शहर की दुकानें खुली रहेगी, 12 जगह पर हम लोग बैरिकेटिंग लगा रहे हैं। अयोध्या के बाहर के नागरिक को उस दिन हम लोग अयोध्या जी में आने से प्रतिबंधित कर रहे हैं। क्या ड्रोन के जरिए भी? जी, ड्रोन के जरिए लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं। जो ड्रोन है हमारे पास उसके जरिए लगातार जो VIP रूट है इसके अलावा पूरे अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। और आज जो बाउंड्रीज बनाई जाएगी, अगर जहाँ से वो लोग जिनके पास पास नहीं होगा नोमी, वो क्या होगा, किस तरह से रहेगी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अयोध्या जी के लोगों को कोई उनके आने जाने पर कोई रुकावट नहीं। अयोध्या जी में जैसा जनसामान्य के दिनचर्या रहती है वैसी रहेगी। बाहर के जो लोग हैं, जो अयोध्या जी से बाहर के लोग हैं, उनके आने जाने पर जिनको पास रहेगा वही आएंगे, बाकी लोगों का आगमन पर चैलेंज। राम जन्मभूमि विजयप्रदम, मेरी जीवन की प्रथम यही कल्पना थी कि जब भी श्री राम का मंदिर बनेगा तो मैं संपूर्ण भारत के और लंका के मिट्टी और पवित्र जल को दूंगा। और आज भगवान श्री राम की कृपा से वो हमारी कल्पना साकार हुई। मैं 151 नदी, भारत के 151 नदियों, 8 नद और 3 समुद्र का जल लेकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। मेरे छोटे भाई महाकवि शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला जी भी हमारे साथ भारत के सभी तीर्थों के शोध में रहे और तनातन मिश्रा जी भी हमारे साथ सदैव हमारी सहायता करते रहे। मैं लंका के 16 स्थान की पवित्र मिट्टी, 5 समुद्रों का जल और 15 नदियों का जल भी लेकर के आया हूँ। अक्षयवट वृक्ष प्रयागराज के नीचे की मिट्टी और अक्षयवट की पत्ती भी लेकर के मैं राम जन्मभूमि के नींव में डालने के लिए आया हूँ। मैं पैदल साइकिल, मोटरसाइकिल और ट्रेन तथा हवाई जहाज बस अड्डा से यात्रा करके ये सब कार्य किया। इस समय मैं संपूर्ण जल को एकत्र करके लंका का अलग और भारत देश का अलग लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ।